Hi viewers, welcome to Bone Shop. Today we'll discuss on waste from the scientific research, okay? And also some methods for safe disposal of the waste. Okay? So before I start, I will request you to subscribe my channel if you have not subscribed yet. And if you are a new viewer to my channel, and if you are liking the videos, press the like button, share with your friends so that they can also be benefited from these videos, and do meditate before you start your day. So, meditation के लिए हम लोग एक पॉइंट ऑफ लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जो कि हमारे सारे बदन को, सारे बॉडी को ऊपर से नीचे तक लाइट से घूम रहा है। हमारा सारा बॉडी एनर्जाइज हो रही है। हमें बहुत ताकत मिल रही है। हमें ब्रेन फूलों की पंखुड़ियों की तरह खुल रहा है। कितना विज्ञान, कितना नॉलेज हमको मिल रही है, पर से किसी और से, बुक से, सराउंडिंग से सब अंदर चल रहे हैं, रिटेन ज्यादा कर पा रहे हैं, और टाइम अनुसार हम इसको रिड्यूस भी कर पा रहे हैं, अपने कॉफी में लिख भी पा रहे हैं। आज अच्छा आंसर दिख रहे हैं, सबको एप्रिसिएशन मिल रहा है, और बहुत अच्छा रिजल्ट हो रही है, और खुशी आनंद मिल रही है। इसलिए हम लोग उस परम शक्ति को नमन करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वो हमारे हर कदम पे, हर मुश्किल पे हमारे और हम लोग शुरू करते हैं आज के विषय में। तो आज का विषय हमने बताया कि वेस्ट, हम लोग तो पहले भी पढ़ चुके हैं कि बहुत सारा वेस्ट होता है। लास्ट हम लोग वीडियो में पढ़े थे कि ई वेस्ट सब में, ई वेस्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है, एवं उसको और उसे कैसे उसको डिस्पोज किया जाता है। तो ये ई वेस्ट को डिस्कार्ड करने के लिए उसको डंपिंग किया जाता है। स्पेशल ई बिन्स होता है उसमें, जहाँ पे वो सब उसको डंपिंग किया जाता है। दे शुड बी केप्ट एट प्लेसेस। ये ई बिन्स कहाँ पे रखा जा सकता है, वो कहीं पे भी कहाँ भी जा सकता है, जहाँ पे एंड म्यूनिसिपल एजेंसी शुड मेक स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर देयर फाइनल डिस्पोजल, वहीं पे रखा जाए जहाँ की म्यूनिसिपल एजेंसीज वो सब उसको ठीक तरह से डिस्पोजल करे। तो वैसा जगह ई बिन्स बनाए जाए जहाँ पे ई वेस्ट उसको डंपिंग किया जाए, डिस्कार्ड किया जाए। ओके, तो उसके बाद आता है वेस्ट फ्रॉम साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरी। हम जानते हैं कि बहुत सारा साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरीज में होता है, तो उससे जो वेस्ट निकलता है, बहुत सारा टीचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा भी है, लेबोरेटरीज है, जिसमें बहुत सारा रिसर्चेस हो रहे हैं, तो उन सब से जो वेस्ट मिलती है उसको हम लोग कैसे डिस्चार्ज करें, डिस्कार्ड करेंगे। तो अभी इस दुनिया में टुडे क्या होता है, मोर एंड मोर टीचिंग इंस्टीट्यूट आ रहा है जहाँ पे रिसर्च लेबोरेटरीज है, और वहाँ पे एडवांसमेंट ऑफ द कंट्री, कंट्री को आगे ले जाने के लिए बहुत सारा रिसर्चेस होते रहते हैं।
वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूट्स लाइक ब्रोकन और डिस्कार्डेड ग्लास एपरेटस, जो ग्लास का चीज होता है ना, बीकर्स वगैरह जो जिसमें एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है, वो अगर टूट जाए ना, कोई टेस्ट ट्यूब हो, कोई बीकर हो, कोई कोनिकल फ्लास्क हो, जो अगर टूट जाए तो उन सबको डिस्कार्ड किया जाता है। फिर कंडेम्ड मशीन्स, बहुत सारा ऐसा मशीन्स होता है जिसको भी डिस्कार्ड करना जरूरत होता है। वेस्ट केमिकल्स, केमिकल्स भी ऐसा है लेबोरेटरी से निकलता है जिसको डिस्कार्ड किया जाता है। एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट फ्रॉम बायोलॉजी लेबोरेटरीज एंड फ्रॉम देयर कल्चरल रूम्स। कहते भी एनिमल्स और प्लांट वेस्ट जो बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज है वहां से निकलता है, फिर कल्चर जहाँ पे एनिमल और प्लांट्स को कल्चर किया जाता है वहां से भी बहुत सारा वेस्ट निकलता है। ये सब वेस्ट दे नीड टू बी प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ आइदर इन द डीपली डग आउट पिट्स और बर्न्ड इन स्पेशल एनक्लोजर। ये सब कैसे डिस्कार्ड किया जाता है, अगर आइदर उसको एक बहुत डीप पिट बनाया जाता है, गहरा गड्ढा खोदा जाता है जहाँ जहाँ उसमें डाला जाता है, पिट बोलते हैं उसको, जहाँ उसको डाला जाता है और कवर कर दिया जाता है, या फिर उसको जलाया जाता है स्पेशल एनक्लोजर में। स्पेशल एक जगह होता है जहाँ पे उन लोगों को बर्न किया जाता है। उसके बाद आता है डिस्पोजल ऑफ डिस्कार्डेड रेडियो एक्टिव मटेरियल्स इन स्पेशल केयर, एज इट कैन बी अ थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ इफ देयर इज स्लाइट केयरलेसनेस। क्या किया जाता है, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल वो सब अगर डिस्कार्ड किया जाता है, लेकिन उसको डिस्कार्ड करने के लिए हमें स्पेशल केयर लेना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा भी चुप हो गया ना तो वो रिएक्शंस हो जाएगा और वो रेडियो एक्टिव जो जो वेव्स होता है वो निकल के हमारे ह्यूमन को ट्रीट कर सकता है, उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स ला सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए बहुत सावधानी से हमें उन सब मटेरियल्स को, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को डिस्कार्ड किया जाता है। अब आता है हाउ टू डिस्पोज सेफली वेस्ट, तो मेथड्स ऑफ सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। मेनली दे इंक्लूड लाइक सेग्रीगेशन, पहला आता है सेग्रीगेशन, सेकंड आता है डंपिंग, थर्ड कंपोस्टिंग। ये तीन मेथड्स हैं मेनली। तो पहला जो आता है सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है, अलग कर कैटेगरीज के तरह, कैटेगरीज के अंदर तीन कैटेगरीज है जिसके अंदर मटेरियल को डाला जाए, अलग किया जाए, कौन से कैटेगरी में भी ये आएगा। जैसे रियूजेबल पार्ट्स है, डिग्रेडेबल पार्ट्स है, नॉन डिग्रेडेबल पार्ट्स है। रियूजेबल पार्ट जैसे कि पेपर, मेटालिक कंपोनेंट्स जिसको फिर से यूज किया जा सके। डिग्रेडेबल कंपोनेंट्स, डिग्रेडेबल पार्ट क्या होता है, जो कि वो ऑटोमेटिक जो हमारे पांच तत्व है वहां पे वो मिल जाए। जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, फ्रूट पीरिंग्स जो होता है वो मिट्टी में मिल जाएगा इनटू यूजफुल मैन्योर्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स अगर उससे वर्क करे तो वो क्या होता है, वेजिटेबल और फ्रूट पीलिंग जो छिलका होता है ना वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का, वो सब क्या होता है, मैन्योर में बदल जाता है। इसको कहते हैं बायोडिग्रेडेशन, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि बायोलॉजिकल कॉम्पोनेंट है उससे डिग्रेड किया जाता है। नॉन डिग्रेडेबल पार्ट क्या होता है, जैसे कि प्लास्टिक्स, जिसको बहुत सर्टेन टाइप का प्लास्टिक्स है जो कि एकदम नष्ट नहीं होता, उसको डंप किया जाता है। तो ये सब नॉन डिग्रेडेबल पार्ट्स है, इसको सेग्रीगेट पहले किया जाता है, फिर डिफरेंट तरह के डिग्रेडेशन में डाला जाता है। इसके बाद क्या होता है, डंपिंग। नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी पुट एट सर्टेन प्लेसेस इन स्पेशली डग अप पिट्स अवे फ्रॉम द ह्यूमन हैबिटेशंस। ये क्या किया जाता है, जो नॉन डिग्रेडेबल पार्ट्स है ना, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह जो कि डिस्पोज नहीं होता, जो कि मिट्टी में पांच तत्व में नहीं मिलता, उसको कैसे डिस्पोज किया जाता है, उसको
एक बड़ा सा गड्ढा किया जाता है, बहुत डीप गड्ढा किया जाता है, वो भी ह्यूमन हैबिटेशन के बाहर जाके, जहाँ पे ह्यूमंस लोग नहीं रहते, ऐसा जगह ढूंढा जाता है जहाँ पे ये सब प्लास्टिक वगैरह उसको डाला जाता है उस गड्ढे में और उसको कवर कर दिया जाता है। तो उसको कहते हैं डंपिंग ऑफ द नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। इसके बाद आता है कॉम्पोस्टिंग, पुटिंग द वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर टू डीके सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर फर्टिलाइजिंग द एग्रीकल्चरल लैंड। क्या करते हैं, वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर जो होता है जैसे कि वेजिटेबल पीलिंग, फ्रूट पीलिंग वगैरह जो भी होता है, उसको डीके करने के लिए, उसको डीके करने के लिए रखा जाता है जो कि लैंड को फर्टिलाइज करे, मेन्योर में बदल जाए। कैसे किया जाता है उसको, पहले डिगिंग ऑफ द ट्रेंच ऑफ अबाउट 5 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप, एक गड्ढा जैसा खोजा खोदा जाता है जो कि 5 मीटर लॉन्ग होगा, 1.5 मीटर उसका चौड़ाई होगी और उसका डेप्थ होगा 1.5 मीटर। ओके, ऐसा एक गड्ढा खोला जाए, थ्रेडिंग अ लेयर ऑफ वेल मिक्स्ड रिफ्यूज एंड वेस्ट फॉर अबाउट 30 सेंटीमीटर थिकनेस। 30 सेंटीमीटर उसका थिकनेस होगा, जिससे कि रिफ्यूज का मतलब एक लेयर वो वेस्ट का पहले डाला जाए, उसका थिकनेस उसी गड्ढे में पहले फैलाया जाए जिसका थिकनेस होगा अबाउट 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की तरह उसकी मोटाई होगी, थिकनेस होगी। उसके बाद फुल्ली वेटिंग दिस लेयर, इस लेयर को पहले पानी से बहुत अच्छी तरह से भिगाया जाए। ओके, वाटरी मिक्सचर ऑफ काउ डंग एंड सम मड, वेट किया जाता है, लेकिन किससे वेट किया जाए, पानी से नहीं, वेट वाटरी मिक्सचर ऑफ एक्सक्यूज मी काउ डंग एंड सम मड, कुछ मिट्टी से और गोबर से, भीगा हुआ गोबर और मिट्टी से उस लेयर को, जो पहले लेयर को हम लोग बिछाए उसके ऊपर ये मड और मिट्टी और काउ डंग को, मतलब गोबर को, भीगा हुआ गोबर को डाला जाता है कि पूरा वो जो रिफ्यूज, वो जो हम लोग कचरा वगैरह फेंके है ना, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो फेंके, उसके ऊपर डाला जाता है। फिर स्प्रेडिंग अ सेकेंड लेयर ऑफ मिक्स रिफ्यूज ओवर द फर्स्ट लेयर एंड टिल द हीप राइजेस टू प्रोजेक्ट अबाउट द ग्राउंड लेवल बाय अबाउट हाफ अ मीटर। फिर क्या करते हैं, और एक लेयर वो ऑर्गेनिक वेस्ट का डाला जाता है, इतना डाला जाए कि वो ग्राउंड लेवल से, अब तो पहले तो ग्राउंड लेवल के अंदर था, अब ग्राउंड लेवल से ऊपर आता है हाफ अ मीटर। ठीक है, 500 हाफ अ मीटर उसको डाला जाता है, 50 सेंटीमीटर का। अब उसको क्या जाता है, लीविंग द सेटअप एज सच फॉर अबाउट 3 मंथ, ऐसा करके उसको 3 मास के लिए छोड़ा जाता है। ठीक है, ओपनिंग द ट्रेंच इट्स मटेरियल्स इज टेकन आउट एंड रीअरेंजिंग इन कॉनिकल हीप्स एंड कवरिंग बाय। अब इसको ओपन किया जाता है 3 मास के बाद, ट्रेंच को, ये जो ट्रेंच हम लोग बिछाए उसको ओपन किया जाता है और उसके बाद वहां से मटेरियल को निकाला जाए, कॉनिकल हीप्स बनाए जाए, तो कोन की तरह हीप्स बनाए जाए और आज से मिट्टी से कवर कर दिया जाए। नाउ ये जो मास हम लोग निकाले, अब जो मास हमको मिला, जो चीज हमको मिली है उसको कहते हैं कॉम्पोस्ट। ठीक है, आफ्टर अबाउट 50 to 60 days लेटर, 50-60 दिन के बाद हमको ये निकालना है ये कॉम्पोस्ट, ये रेडी होता है ये कॉम्पोस्ट फॉर अप्लाइंग इन द कल्टिवेटिंग फील्ड्स। जिस ये रेडी हो जाने के बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, जो फील्ड होता है, उपजाऊ जमीन होता है, उसमें उसको फैला देते हैं, गार्डन्स में, उपजाऊ फील्ड्स में, ये सब फैला देते हैं ताकि वो अच्छी तरह से
अच्छी तरह से वो खिल जाए, मतलब उपजाऊ हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होता है, ओखला खान, दैट इज इन दिल्ली, फॉर फ्रॉम गार्बेज, फूड वेस्ट एंड ह्यूमन वेस्ट। तो ह्यूमन वेस्ट भी होता है, फूड वेस्ट भी होता है, जैसे कि दिल्ली में गार्बेज से निकाला जाता है, ओखला ओखला खाद बोल के कहते हैं वहां पे, ऐसा ऐसे की इसी तरह बनाया जाता है। लेटेस्ट मेथड क्या होता है, यूजिंग ड्राई कंपोस्ट टॉयलेट्स, कंपोस्टिंग टॉयलेट्स। तो ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स भी अभी यूज किया जाता है, इट्स हाइजीनिक एंड कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन टू ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल। ये जो ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट होता है वो क्या होता है, वो हाइजीनिक ज्यादा होता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, वो सस्ता भी होता है, और ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल में ये अच्छा काम में आता है। अच्छी तरह से ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल अच्छी तरह से हो सकता है। तो ये रहा आज का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप अभी तक नहीं किए हैं सब्सक्राइब, और आप अगर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो बने आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए, नोटिफिकेशन बिल भी रिंग कीजिए। और आप मेडिटेशन करना मत भूलिए, क्योंकि यही आपको बहुत ताकत देती है, मेंटली और फिजिकली भी बहुत ज्यादा ताकत देती है आपको, जिससे आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, एनर्जाइज भी रह सकते हैं, कोई भी काम आप अच्छी तरह से कर सकते। तो स्टे ट्यून्ड एंड डू वॉच, एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर मेल में भी भेज सकते हैं, kasturi74@gmail.com, यहाँ भी आप सेंड कर सकते हैं। तो डू वॉच एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।